नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के मऊ जनपद से है, जहां कलेक्ट्रेट पर एनआरसी को लेकर 30 पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान 30 पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीआरओ को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग किया कि देश में धर्म के आधार पर एनआरसी में जो संशोधन किया गया वो गलत है। सभी शरणार्थी एक बराबर हैं और सभी को एक तरह से सरकार देखे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के फैसले पर विरोध जताया। आप देख रहे हैं अमन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये भी जो कानून पारित हुआ है और हम लोग बहुत परेशान हैं। ये 50 साल, 60 साल, 70 साल पुराना मांग रहे हैं, जो हम लोग के पास दस्तावेज नहीं है। और फिर जो नागरिक हिंदुस्तान के बाहर से आए हैं, जिसे जो शरणार्थी यहाँ बता रहे हैं, तो वो धर्म के आधार पे क्यों नागरिकता दे रहे हैं? हमको मंजूर है सीएबी, लेकिन आधार के बेस पे नहीं मंजूर। धर्म के आधार पे नहीं मंजूर है। कानून बने, सबको अधिकार है रहने का। जो भी तमाम लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, मिलजुल के हम लोग रहेंगे, इंशाल्लाह रहा जाएगा। हिंदुस्तान हम लोग का है और रहेगा। हमारे लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी है हिंदुस्तान को आजाद कराने में। आज ये जो है पक्षपात हो रहा है, इसके खिलाफ हम लोग आज ये आपको मेमोरेंडम दिया गया है, और 10 फरवरी को हम लोग लोकसभा का घेराव करेंगे और पूरा रोड पे जन आंदोलन करेंगे। हमारी मांगे नहीं मानी गई, हम लोग ट्रेन रोकेंगे, बस रोकेंगे, सब कुछ रोकेंगे, पूरा हिंदुस्तान बंद करेंगे इस मामले को लेकर। कानून कल पारित हुआ है राज्यसभा में, सीएबी, जो धर्म के आधार पे पारित हुआ है, तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो धर्म के आधार पे हो रहा है, इसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी बाहरी मुल्क आए हैं, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से, दुनिया किसी कोने से आए हैं, शरणार्थी अगर है, अगर जिस धर्म को, वो ईसाई को, बौद्धिस्ट को, तमाम लोगों को जो है दे रहे हैं, यहाँ से नागरिकता हमारी मांग है। जो हमारे वहाँ उत्पीड़न हुआ है, उनके साथ भी, जो मुसलमान भाई है, तो उनके साथ भी जो उत्पीड़न हुआ है, उनको भी नागरिकता दिया जाए। ये हमारी मांग है, हमारी पार्टी की मांग है। और इसी संबंध में 10 फरवरी को हम लोग दिल्ली में जो है लोकसभा घेराव करने जा रहे हैं सन 2020 में। ये काला कानून आया है, इसका हम विरोध करते हैं। ये धर्म के आधार पर जो आया है, हम लोग की मांग है कि तत्काल रूप से इसको जो है संशोधन फिर कानून में करके इसको जो है सब धर्म के जितने लोग हैं एक सम्मान इसको कानून को बनाया जाए। ये हम लोग की मांगे हैं। और हमारे पार्टी के अनुशासन समिति के चेयरमैन साहब आए हुए हैं, ये अपनी बात कहेंगे। हम लोग पार्टी अनुशासन समिति अध्यक्ष वाइस और पीस पार्टी कौमी नायब सदस्य, आज हम लोग जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो अभी पार्लियामेंट में धर्म के आधार पर जो बिल पास हुआ है, उसके विरोध करने के लिए, क्योंकि ये धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ पे सारे लोगों को सम्मान अधिकार मिला हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जो पहले बिल था, जो पहले कानून था, वो बाकी रहना चाहिए, उसमें संशोधन नहीं होना चाहिए। ये धर्म 14 दफा है, उसके खिलाफ है, तो इसलिए हम उसको विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके साथ वापस लो, वापस लो, वापस लो, ये भी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, मर्जी कानून वापस लो, वापस लो, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। संवारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।